एडवांस में चांद रात मुबारक हो। बस यहाँ पे छोटा सा कर रही है। एडवांस ईद मुबारक सबको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भी आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज मेरे साथ हैं सामा भाई और अली भाईजान। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, जर्सियाँ शर्सियाँ हम लोगों ने ज़ेब तन की हुई हैं। आज है आखिरी रोज़ा, क्लास है, हम लोग लेट हो रहे हैं। आलमोस्ट 15 मिनट लेट हो चुके हैं। 8 बजे क्लास ही 8:23 हो चुके हैं। और अली भाई बड़े प्रोटोकॉल से कह रहे हैं कि हम लेट हो चुके हैं। आज का दिन रहिए मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें नई नई दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। मिलते हैं फिर, अभी क्लास में चलते हैं फिर साथ साथ, समझा करें ना। लेट हो गए, कोई भी कोई नहीं नजर आ रहा। मेकअप मैम ये जो नजर आ रहे हैं ये अपने पठान भाई। हेलो कैमरे में हाथ हिला दो, प्रैंक हो गया। भाई डॉलर बना रहे हैं, टेंशन फ्री हो गए, रिलैक्सेशन फुल माहौल, रिलैक्सेशन। हेलो मुर्सलीन, छुट्टी हो गई है, आपका रिएक्शन बताओ यार। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो मच हैप्पी एंड आई एम ट्राइंग टू एडवांस में चांद रात मुबारक हो। अभी तो आई नहीं है। अबे यार खोसा साहब से मिलो, खोसा साहब, पप्पू शप्पू क्या बात यार, कटिंग शटिंग, आज तो आज इंसान बन के आ गया इंसान। यार हम इधर बीच से जा रहे हैं। अच्छा आज सीन है कोई कल्चरल डे वाला, ठीक है जनाब साहब, कपड़े चपड़े पा के आए हुए हैं। हाँ जी, ये अब कोई यूनिवर्सिटी के दूसरे लोकल जो हैं झंडे झंडे पकड़ के अपना जो है सीन सुन करने वाले हैं। इस लाइन में आगे सारी पाकिस्तानी और इंडियन जितने भी हैं अपने कल्चरल ड्रेसेस में खड़े हुए हैं। किसी भी शहर की जब भी कोई वो इब्तदाई तकरीब होती है ना, ये यहाँ के लोकल्स जो बड़े हैं ये करते हैं, तो यहाँ पर भी यही सीन है। Sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. आज 3 सबसे ज़्यादा मज़े वाली चीज़ें हैं। आज पहली बात लास्ट रोज़ा है, दूसरी बात आज यूनिवर्सिटी में कल्चरल डे था जो कि आप लोगों ने देख लिया, और तीसरी बात ये है कि आज चांद रात भी है। यार हमारी मेन जो टॉपिक है वो है हमारा चांद रात का। तो अभी हम लोग फ्री हैं, तकरीबन आलमोस्ट 12 बजे का टाइम हो चुका है। अभी चलते हैं हम लोग घर, थोड़ी बहुत रेस्ट करते हैं क्योंकि शाम को निकलना है बाहर। भाई रोज़ा है, कोई रोज़े का ख्याल शाल कोई नहीं है। 3 hours later ओके जी, तो वेलकम बैक हो गया अगेन से आप सब लोगों का। सीन कुछ ऐसे है कि अभी मैं आया हूँ इधर सिटी एरिया में क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल ईद है। और पाकिस्तानियों, आप लोगों से एक दिन पहले ईद होगी। अगर आप लोगों ने रात को चलाकी करके चांद का वो बहाना ना बना दिया। तो फिलहाल अभी इधर पहुंचे हैं, सीन कुछ ऐसे है कि शॉपिंग वगैरह करते हैं। और यूनिवर्सिटी में जो है वो चांद रात को कोई फंक्शन वगैरह फेस्टिवल है, अगर तो यहाँ से लेट ना हुई, जल्दी फ्री हो गया तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को सीन दिखाएंगे। सात बज के 17 मिनट हो चुके हैं और हम पहुँचे हैं यहाँ। रोज़े का टाइम भी होने वाला है। और यार ये जो बाबा है ना, ये बाबा ये अपनी तरफ मधु कर रहा है कि आ जाओ यार आ जाओ। तो यार रोज़े का होने वाला टाइम, मैंने पकड़ी खर्चे खजूरें और पानी वगैरह, और यहाँ से करवाते हैं बिल और जल्दी से बैठते हैं अफ्तारी के लिए। हाँ 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 हाँ, बाबे ने आखिरकार मैं अपने पास बुला ही लिया। रश है, बहुत रश है यार। ऑर्डर कर लिया है, 15 मिनट हो गए घूम ही जा रहा हूँ, कुछ जगह ही नहीं मिल रही यार। फाइनली 15 मिनट बाद जगह मिल चुकी है, बल्कि आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से मुझे जगह नहीं मिली थी, अभी जगह मिली है। फिलहाल रोज़ा का टाइम हो गया, अफ्तार करते हैं। यार आज था रमज़ान मुबारक आखिरी रोज़ा, एडवांस ईद मुबारक सबको। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं ना, जिन्होंने मेरे पहले व्लॉग्स नहीं देखे, मेरा सेकंड व्लॉग जाके देखना आप लोग कि ये चीज़ जो है ना कितनी पसंद है मुझे। 20 मिनट्स लेटर। कंट्रोल। मुझे लगा यार पाकिस्तान की तरह यहाँ पे कोई रश वगैरह होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत हूँ। यहाँ पे किसी किस्म कोई रश देखने को नहीं मिल रहा। रश होगा मेरी यूनिवर्सिटी में, मतलब जिसे कहते हैं ना चांद रात एंजॉय करना, वो सीन होगा सिर्फ यूनिवर्सिटी में। टाइम इस वक्त 9:49 हो गए हैं और आलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। यहाँ पे 10 बजे तक बिश्केक में ऑल जितने भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं बंद हो जाते हैं। फिलहाल अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में जो सीन सुन होने वाले हैं, माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको आने वाली ईद मुबारक हो। हॉस्टल में भाई बताएं कि भाई हॉस्टल में रहते हैं क्या क्या सीन है हॉस्टल में, और चांद रात का क्या माहौल होने वाला है हॉस्टल में। हमारा म्यूजिकल नाइट होगी, अंताक्षरी होगी और भी कुछ स्टॉल लगाए हुए हैं उन्होंने, तो ये सब कुछ सीन होगा। चलो भाई टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओके तो भैया भैया मुझे ज्वाइन किया है फिलहाल। ओके तो अभी मुझे ज्वाइन किया है समाज साहब ने। अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, मैंने स्पेशल समाज भाई को कॉल किया कि समाज भाई आए, आपके बिना ये फंक्शन अधूरा होएगा। अच्छा जी, रात इस वक्त बहुत गहरी हो चुकी है और समाज मेरे साथ है। चले खैर, फिलहाल अभी आवाज़ें आ रही हैं इतनी दूर दूर से, पर लग रहा है कि जो है कोई साउंड सिस्टम, कोई एक्टिव, कोई डिस्को, जिसको कोई बोन फायर वाला सीन होने वाला है। और हर तरफ ये सन्नाटा वगैरह, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, और वो दूर से यूनिवर्सिटी चमक रही है। ओके जी, तो वेलकम बैक भाई तैयब भाईजान और सिमा भाईजान। सीन आप लोगों के सामने होने वाले हैं और फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी इस IMU यूनिवर्सिटी के अंदर। मेहंदी के सीन आप लोगों ने देख ली, मेहंदी के स्टार लगे हुए 250-300 रुपये। सिमा यार कभी सीख लेते हैं मेहंदी लगाना यार, आज हम पैसा बना रहे होते, पैसा छाप रहे होते, बड़ा $100 पता नहीं क्या का छाप रहे होते। सिमा आप सीख लेते हैं यार मेहंदी लगाना यार, जब तुझे पता है कि मेहंदी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? मैं हूं ठीक हूँ। गुल्लू नाम है इनका और ये क्या कमाल की मेहंदी लगा रहे हैं यार। आप लोगों ने पिछली 2-3 मेहंदी देखी होंगी, क्या कमाल की मेहंदी लगा रहे हैं भाई, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। Much later. इस वक्त रात के 2 बजने लगे हैं और थोड़ा बहुत लेट पहुंचे, लेकिन आप लोगों ने देख लिए मेहंदी के क्या सीन थे। बड़ा गर्ल्स का जो है आप लोगों को पता है, जब छोटी ईद होती है तो गर्ल्स के हाथों में मेहंदी, ये आम बात है। भी चल रहे हैं घर, सुबह का सीन ऐसे है कि यहाँ पे ईद है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी तक ईद नहीं हुई, ईद का ऐलान नहीं हुआ। पाकिस्तानियों एडवांस ईद मुबारक आप लोगों को। आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ मस्ट है। पूरे रमज़ान मुबारक मेरे ब्लॉग नहीं आए, बट मिनी ब्लॉग मेरे आते रहें। अगर आप लोगों ने मिनी ब्लॉग्स देखने हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। इंस्टाग्राम पे जाएँ, वहाँ पे मेरे मिनी ब्लॉग्स देखें जो कि रमज़ान मुबारक में चलते रहे हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में इतना टाइम नहीं था जिस वजह से हम पूरा कम्प्लीट अपना ब्लॉग नहीं बना सके। अगर कोई सीन होता है अभी तो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट सीरीज़ आएगी ईद के दिनों की, अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में मिलेंगे। और अच्छे कमेंट भी कर दिया करो, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब तो बस वाइब ही वाइब है, हर पासे हाइप ही हाइप है। Man don't wait for none, फर्क नहीं पड़ता तू